नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद है समाजसेवी संस्था ऑलमाइटी के संस्थापक सरबजीत सिंह जी। सरबजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रूबरू में। धन्यवाद राकेश जी आपका। आपने समाजसेवी संस्था ऑलमाइटी का गठन किया, इसकी वजह क्या रही, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। काम तो मैं बहुत पहले से ही कर रहा था, 10-12 सालों से, लेकिन 2014 में कुछ हमने ऐसा किया जिसमें हमें एक संगठन बनाने की आवश्यकता हुई और हमने नाम सोचना शुरू किया, तो हमारे जहन में एक ही नाम आया, प्रभु कृपा, जिसका इंग्लिश वर्जन है ऑल माइटी ब्लेसिंग्स। तो मैं और मेरे कुछ साथियों ने ये संस्था शुरू की और आज ये हिमाचल की नहीं पूरे विश्व की एक जानी मानी संस्था है जिसमें हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। ये ऑलमाइटी जो संस्था है, सर्वशक्तिमान या परमात्मा जिसने आपने, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, मतलब वजह क्या रही? कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है किसी पर्टिकुलर समस्या में फंस जाता है, आपको लगता है कि यार अगर इस तरह का कोई संस्था होती, इस तरह का कोई समाजसेवी संगठन होता, ये मेरी समस्या, मेरी तरह किसी और की समस्या, वो सॉल्व हो सकती थी। कहाँ से आया, जहन में कहाँ से आया? जैसे कि आपको राकेश जी मैंने बताया है, काम तो हम कई वर्षों से कर रहे थे लेकिन असंगठित होकर कर रहे थे। ब्लड डोनेशन कैंप्स, डेड बॉडी वैन्स या और भी कई काम हम कार्यों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन कोई एक बैनर नहीं था हमारा। लेकिन हमने जब एक बैनर बनाया ऑल माइटी ब्लेसिंग्स, तो हमें एक नई दिशा, एक नई राह मिल गई कि अब हमने करना क्या है। करना ये है कि हिमाचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो IGMC शिमला है, वहाँ पर अपनी सेवाएँ शुरू करनी है और मानवता की सेवा करनी है, ना कि किसी धर्म विशेष की। शिमला में आपका व्यवसाय है, अच्छा खासा व्यवसाय है, लेकिन उसके बावजूद आपने समाज सेवा का एक काम शुरू किया, तो ये आपस में तालमेल किस तरह से बना पाता है? क्योंकि बिजनेसमैन तो एवरी टाइम बिजी रहता है और समाज सेवा के लिए कोई समय नहीं, कभी भी आपको जैसे कि आपकी जो सेवाएं हैं उसमें तो ऑल टाइम रहता है, 24 आवर्स की सर्विसेज रहती, तो इसमें तालमेल कैसे बना पाते हैं? तालमेल आपके शौक से पैदा होता है। जब आप किसी कार्य को अपना शौक बना लेते हैं तो आप उसके लिए समय भी निकालते हैं। किसी का शौक पढ़ाई करना होता है, किसी का शौक लिखना होता है, किसी का शौक घूमना होता है। जब आप अपने शौक के पीछे भागते हैं तो आप अपने आप को अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स कर लेते हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ अपने बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी है, दूसरों के साथ इसका दुख बंटाना भी है। जैसे कि अभी हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं, अब हम रोज़ ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे जब तक IGMC हॉस्पिटल का ब्लड बैंक भर नहीं जाता। तो इतने सर्दी के मौसम में कई लोग कहते हैं कि ये पागलपन है, लेकिन हम अपना ये पागलपन दूसरों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिसको आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, अगर आप उसकी मदद करें तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी दवाएँ आपको देता होगा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है कि आप जब अपने शौक के लिए काम करते हैं तो एक तो ना आप थकते हैं और आप समय भी दे पाते हैं। जो ऑलमाइटी संस्था है वो काम किस तरह से करती है और इसका दायरा क्या है? जैसे अभी क्या सिर्फ IGMC शिमला तक या KNH तक या बाहर स्टेट के दूसरे पार्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट वाइज या किसी पर्टिकुलर सिटीज़ को लेकर या किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किस तरह का दायरा है और ये काम किस तरह से करती है? हमारा दायरा अब बढ़ता जा रहा है। शुरुआती दौर पर तो हमने IGMC शिमला के कैंसर हॉस्पिटल में ही अपना एक दायरा फिक्स किया था, लेकिन ज्यों ज्यों हम बढ़ रहे हैं कारवां बढ़ता जा रहा है। 25 अक्टूबर 2014 को जब हमने वहां पर चाय की एक सेवा शुरू की थी और ये सोचकर की थी कि सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ही चाय वहाँ पर देंगे, ये धीरे धीरे बढ़ता रहा और इतना बढ़ चुका है कि हमने 3 महीने बाद ही वहाँ पर लंगर लगा दिया था और आज 3.5 सालों के बाद हमारे 2 प्रमुख अस्पतालों में लंगर, कंबल, ब्लैंकेट्स और अन्य सेवाएं भी चल रही हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में पूरे हिमाचल के लिए फ्री डेड बॉडी वैन की सेवा भी मैं शुरू करूंगा। हालांकि ये प्रस्ताव मैं सरकार को भी कई बारी दे चुका हूँ, जैसे कि उनकी एक 108 की सेवा चलती है, क्यों ना एक डेड बॉडी वैन की सेवा भी पूरे हिमाचल के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क चलाई जाए, जिससे कि आम जन को सुविधा हो और सरकार के प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़े, क्योंकि 108 ने भी अपना विश्वास काफ़ी कायम किया है। अगर आप किसी के मरने पर उसकी डेड बॉडी उसके घर तक छोड़ देंगे, चाहे वो अमीर है या गरीब है, तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। वैसे तो सरकार का काम है,
लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो आने वाले वर्षों में मेरा ये भी प्लान है कि पूरे हिमाचल में हम डेड बॉडी वैन फ्री सेवा शुरू करें। आप डेड बॉडी खुद जो वैन है वो खुद चलाते हैं? जी। कभी जब ये विचार जब आपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो शॉक नहीं लगा? ये क्या पागलपन है यार, डेड बॉडी वैन चलाओगे, अच्छा खासा बिजनेस है, चलो समाज सेवा समझ लिया, समाज सेवा करें, लेकिन डेड बॉडी वैन चला रहे हैं? कभी इस तरह का सवाल किसी ने किया है यार दोस्त ने, यार तू डेड बॉडी वैन चलाता है यार, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा, या कोई इस तरह की, कोई अक्सर इस तरह की समस्या रहती है, कभी आया कोई इस तरह का वाक्य कोई? यार दोस्त तो नहीं, लेकिन परिवार सबसे बड़ा आपके साथ अगर खड़ा है तो आपको कोई भी जीवन में समस्या नहीं आती। शुरुआती दौर में मेरे परिवार ने इसका काफ़ी विरोध किया, मेरे फादर साहब मुझे अक्सर डांटते थे कि ये क्या काम पकड़ लिया, और मदर भी कहते थे कि तू रात को कभी भी उठकर चल पड़ता है, तेरे को डर नहीं लगता, ये काम मत किया कर, कुछ और कर ले। लेकिन उन्होंने मेरी ज़िद के आगे हार मान ली और ये सेवा अब लगातार पिछले 10-12 वर्षों से चली आ रही है, और अब तो मुझे देखते हुए कई लोगों ने अपने नाम भी मेरे आगे प्रस्ताव किए हैं कि उनको भी ये सेवा का मौका मिले, और भी कई संस्थाओं ने अपनी डेड बॉडी वैन शिमला में डाल ली हैं। क्योंकि आपको एक शुरुआत करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक शुरुआत कर लेते हैं तो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। शुरुआती तौर पर तो लोग आपके ऊपर हंसते भी हैं, फफ्तियां करते हैं, जी कमेंट्स आते हैं कई, जी जी। आपके जीवन में भी इस तरह के कई कमेंट्स और कई वाक्य, कई इस तरह की घटनाएं घटी होंगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरबजीत जी, हम बात कर रहे थे डेड बॉडी वैन को जब आपने चलाना शुरू किया, शुरुआती दौर में कभी ऐसा लगा कि भय कि डेड बॉडी ले जा रहे हैं साथ में अकेले हाल में, कभी ऐसा लगा कोई इस तरह की कोई हादसा, कोई इस तरह का वाक्य हुआ हो कभी अचानक? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, चाहे रात के 2 बजे हों या कोई भी समय रहा हो, जब भी दूर पार डेड बॉडी छोड़कर आया हूँ तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पीछे कोई डेड बॉडी है, बल्कि हौसला बढ़ता कि अब तो 5,000 डेड बॉडीज़ मेरे साथ चल रही हैं हर वक्त। और मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में एक बात और कहता हूँ कि मुझे जिंदा लोगों से डर लगता है, मरने वालों से मैं नहीं डरता, क्योंकि वो कुछ ही का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और जिंदा लोग जो कि कॉन्स्पिरेसी करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं बनस्पत मुर्दा लोगों के। बहुत बढ़िया। आपने जब इस संस्था का, ऑलमाइटी का संस्थापना जो की थी, आपको लगा था कभी कि इस मुकाम तक पहुंचेगी? आज स्थिति क्या है? एक आपने कहा चाय से शुरुआत की थी, आज सुनने में आता है कि लंगर लगे होते हैं, लोग हजारों के सैकड़ों की संख्या में खाना खाते हैं, ये कैसे संभव हो पाया? क्या आप अपने जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से आपने विकसित किया है, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, कितने लोगों के ऑफर्स भी आते होंगे कि मैं भी करना चाहता हूँ? क्योंकि आम आदमी जो है वो समाज सेवा से जुड़ना चाहता है, लेकिन उनके पास एक कोई पर्टिकुलर जो है वो रास्ता नहीं रहता कि कैसे जुड़े, कभी इस तरह का रहा? शुरुआती तौर पर तो हमें भी लगता था कि हम शायद 1 साल तक सिर्फ चाय की सेवा ही कर पाएंगे, मैं और मेरे एक साथी हैं अजय सूद जी, जिनके साथ ये मैंने शुरुआत की थी, और भी हमारे कई साथी उसमें जुड़े हैं हमारे साथ, चरणजीत जी हैं, गोपाल जी हैं, प्रवीण जी हैं, काफ़ी एक बड़ा अब हमने संगठन बना लिया हुआ है। लेकिन शुरुआती तौर पे तो मुश्किल लगता था और लगभग असंभव लगता था, जब भी मैं सरकार के पास अपनी एक प्रपोजल लेकर जाता था तो मुझे दौड़ा दिया जाता था कि आप चाय भी कैसे शुरू करेंगे जी? आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जिनको आपने चाय पिलानी है? आपको अगर हम जगह दे देंगे तो आप उसका कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो कैंसर अस्पताल में जब हमने एक मात्र 90 स्क्वेयर फीट की जगह जब हमें मिली तो हमने वहाँ पर शुरुआत की, तो कई लोगों ने प्रश्न उठाए, और 7 बजे जब हमने चाय शुरू की और 1 घंटे में लगभग 100-200 लोग आकर चाय पीते थे, और जैसे मैंने पहले भी बताया 9 दिसंबर 2014 को हमने अपना पहला लंगर लगा दिया था, ये सब कुछ संभव हो पाया सोशल मीडिया के कारण। और आपकी इंटेंशंस, अगर आप अपनी फुल इंटेंशन के साथ, अपनी एक लगन के साथ, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, क्योंकि 10 सालों का एक पिछला रिकॉर्ड था, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था कि हम डेड बॉडी वैन की सेवा कर रहे थे, और लोगों के हमने एक छोटा सा आइडिया दिया कि आप 1100 रुपये दीजिए हमें और हम आपके तरफ से उस दिन की चाय करेंगे, आप अपने बच्चों का बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी खुशी गमी का त्यौहार हमारे साथ मनाइए, और केवल मात्र 1100 रुपये में हम वो चाय देंगे और आप अपने हाथों से आके बांटना। जब लंगर शुरू हुआ तो हमने लोगों को 3100 रुपया लेना शुरू किया और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया
कि जैसे कि वो बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, या अपने पूर्वजों के कोई दिन मनाते हैं, तिथ मनाते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जो लोग लंगर खाने आ रहे हैं वो लोग कौन हैं? अगर आईजीएमसी में या कैंसर हॉस्पिटल में कोई लोग उस लंगर को खाने आ रहा है तो वो खुशी से नहीं आ रहा, वो चंबा, सिरमौर, भरमौर, किन्नौर का पेशेंट है या उसका अटेंडेंट है। अक्सर देखने में ये आता है कि पेशेंट को तो अस्पताल वाले खाना मुहैया करवाते ही हैं जो कि बेड रिडन है, लेकिन ओपीडी में रोज़ 5,000 लोग आईजीएमसी में आते हैं और कई बारी तो ये सोचकर भी नहीं आते कि उनको यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो कॉरिडोर्स में सोते हैं। हमने जब ये सेवा शुरू की तो हमने कई चीज़ें वहाँ पर देखी जो हमारे साथ बीती। कैंसर का पेशेंट है, 25-25 दिन की कीमोथेरेपी हो रही है उसकी, और उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, चाय पीने के पैसे नहीं है, और वो खाने के लिए तरस रहा है। और आज आप अगर हमारी स्थिति देखें, हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चाय बिस्किट, सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक चाय के साथ साथ खाना भी हमने शुरू कर दिया है, दाल चावल दे रहे हैं, शाम को 6:30 से 9 बजे तक खाना दे रहे हैं, ब्लैंकेट्स दे रहे हैं, मैट्रेस दे रहे हैं, और सब कुछ निःशुल्क। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, आप जैसे लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, और एक निर्धारित हमें अमाउंट देकर उस पुण्य के भागी बन रहे हैं जो कि वो होटलों में खर्चते या अपने अपने धार्मिक स्थानों पे भी खर्चते। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ, जब हम अपने धार्मिक स्थानों पे लंगर भंडारे देते हैं तो वहाँ खाने वाले कौन होते हैं? मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ खाने वाले कौन होते हैं? वो पेट भरे हुए लोग होते हैं, लेकिन अस्पताल में कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं आ रहा, वो बड़ी एक मजबूरी में आ रहा है, और अगर उसके पास पैसे हैं भी तो वो सारे के सारे पैसे अपने बचा के रखना चाहता है कि अगले ही पल डॉक्टर ना जाने कौन सा टेस्ट लिख देगा या उसको ना जाने कौन सी दवाई खरीदनी पड़ेगी। और डेड बॉडी वैन की सेवा करते हुए तो कई बार ऐसा भी मुझे लगा कि कुछ लोग अपने प्रियजनों की डेड बॉडी लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जब उनका कोई मर जाता है तो वो पैसे भी नहीं होते कि अपनी डेड बॉडीज लेकर जा सके। हर हफ्ते हमारे पास ऐसे 2-4 केसेस आते हैं, या तो हॉस्पिटल प्रशासन हमसे संपर्क करता है कि आप हमारे को गाड़ी मुहैया करवाइए, हम उसके पैसे देते हैं, क्रीमेशन के पैसे देते हैं, क्योंकि आपसे जो भी उस वक्त उस हालात में मदद मांग रहा है वो खुशी से नहीं मांग, वो बहुत मजबूर है, लाचार है और बेबस है। जैसा कि आपने कहा कि जब आपने शुरुआत की थी अस्पताल में, क्योंकि सरकारी महकमा है और यहाँ पे मुश्किलें कई तरह की रह सकती थी, जैसे आप खाना दे रहे हैं, अगले ही पल पेशेंट को कुछ हो गया, उल्टियाँ हो गई, कोई और कोई प्रॉब्लम हो गई, रिएक्शन हो गया कुछ, तो कभी इस तरह का हुआ हादसा कभी कि रिएक्शन कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, जिम्मेवारी सरबजीत ने खिलाया होगा, चाय पिला रहे थे, पता ना जाने क्या पिला दिया, कोई इस तरह का? मैं अक्सर अपने साथियों से यही बात करता हूँ, जब नाम मेरा हो रहा है तो बदनामी भी निश्चय ही मेरी होगी। 21 अक्टूबर 2016 को एक आग लगी थी वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल में, जो 2-4 मिनट में बुझ भी गई, लेकिन उसको काफ़ी हाइप दी गई, लेकिन भगवान का उसमें एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक योग्य कदम था कि हमें वो बहुत बड़ी जगह उपलब्ध करवाना चाहता था। 21 अक्टूबर की वो छोटी सी एक मामूली सी घटना हुई जिसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, लेकिन भगवान क्या चाहता था? भगवान ये चाहता था कि हमें कुछ बड़ी जगह मिले, और ऐसा ही हुआ। एक ही महीने के बाद हमें एक बहुत बड़ी जगह डेंटल कॉलेज के पास मिल गई, जहाँ अब हमें अपनी सेवाएं 24 घंटे शुरू करने का मौका मिल गया। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो आपके भले के लिए होती है। खाना जब भी हम बांटते हैं तो प्रभु के आगे एक अरदास करके बांटते हैं, क्योंकि बीमार अगर किसी ने होना है या किसी ने कोई शरारत करनी है या कुछ भी करना है तो वो कर सकता है। जैसे कि अभी हम रोटियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, कोई जहरीली रोटी भी तो दे सकता है। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब जब प्रभु ने जो जो करवाना है वो वैसा ही होगा। अगर उसने आज हमें ये मुकाम दिया है, अगर वो खींचना चाहेगा तो किसी भी दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ घटना हो जाएगी और ये सारे का सारा वापस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभु ने हमारे काम को देखते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी अगर हम उसके पास अरदास करते हैं तो हमें वो आगे तक लेकर जाएगा, ये मेरा मानना है। आपने अभी रोटी की बात की, आपने रोटी बैंक शुरू किया है, कई अधिकारी कर्मचारी या ऑफिसेज इसमें आगे आए हैं, उसको लेकर अभी बात करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरबजीत जी, हम बात कर रहे थे रोटी बैंक जो आपने शुरू किया है, या कई ऑफिसर्स, कई ऑफिसेज, कार्यालय कई आए हैं आगे,
कौन कौन से ऐसे कार्यालय हैं जो इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं? स्कूल से भी जैसे बच्चे रोटी लाते हैं, कैसे आया आइडिया, कैसे आया कि ये भी हो सकता है कॉन्सेप्ट? देखिए, जब हमने लंगर शुरू किया था तो वहाँ पर हम दाल चावल देते थे, लेकिन कुछ कैंसर के पेशेंट जिनको गले का कैंसर है वो चावल नहीं खा सकते या उनको अलाउड नहीं है, तो उनको रोटी चाहिए होती थी। तो शाम को जब ऐसे कुछ लोग भूखे जाने शुरू हुए तो हमने अपने घरों से रोटियां लेकर आनी शुरू की। लेकिन अब क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में हम अपनी सेवाएं दे रहे थे तो रोटी खाने वालों की तादाद बढ़ गई, और केवल मात्र 90 स्क्वेयर फीट में ये असंभव था कि हम वहाँ पर रोटियाँ बनाएँ। बहुत कम जगह थी, खाना भी बनाना है, 4 एम्प्लॉयज़ ने भी वहीं सोना है, बहुत जगह कम थी। तो ये आइडिया आया क्यों ना लोगों से रोटियां मांगी जाए, और हमने उस वक्त अपना पहला रोटी बैंक 2015 में शुरू किया, जिसमें हमने लोगों से आग्रह किया कि हमें रोटियां दीजिए और हमारी इस कुछ खास चुनिंदा पॉइंट्स पर आप रोटियां छोड़िए। लेकिन बाद में एक कॉलेज ने हमें ये एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया दिया कि आप हमारा एक दिन फाइनल कर दीजिए, हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं आप। कौन सा कॉलेज था? RKMV कॉलेज, और मीरा वालिया मैम ने वो हमें एक आइडिया दिया कि आप ऐसे कीजिए, और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, टीचिंग स्टाफ को बोलूँगी कि वो एक निर्धारित दिन वो रोटियां लेकर आए। और वो आइडिया इतना क्लिक किया कि मैंने अगले ही दिन शिमला के विभिन्न स्कूलों में जाके संपर्क किया, जिसमें प्रमुख तौर पर तारा हॉल स्कूल, ऑकलैंड स्कूल, संत थॉमस, दयानंद, DAV स्कूल को पकड़ा और वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, और उनको अपना आइडिया ये दिया कि हम आपको एक दिन देंगे, और अगर किसी स्कूल में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप हमारी तरफ से ये उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हफ्ते में एक दिन अपने लंच के साथ वो एक रोटी लेकर आएँ। और तारा हॉल वाले तो इतने खुश हुए कि उन्होंने 2 दिन ले लिए, और 1800 बच्चे वहाँ पर पढ़ती हैं बच्चियाँ। और जब मैं वहाँ पर संबोधन करने गया पहले ही दिन, तो बच्चियों ने मुझे प्रॉमिस किया कि अंकल आज के बाद हम अपना लंच के साथ साथ आपके लंगर की रोटी भी लाएंगे, कैंसर पेशेंट्स की रोटी भी लाएंगे। और जब मैं इकट्ठी करने जाता था तो वो एक या दो रोटी नहीं होती थी, बच्चों में भी एक होड़ मच गई, कोई बच्चा 10 रोटी लेकर आ रहा है, कोई 15 रोटियां लेकर आ रहा है। फिर दोबारा से एक और समस्या खड़ी होगी कि अब स्कूल बंद होंगे तो क्या होगा। तो हमने फिर अपने इस रोटी बैंक को और विस्तार दिया, शिमला के विभिन्न ऑफिसेस में जाकर या छोटी छोटी सोसाइटीज़ में जाकर, विकास नगर, पंथा घाटी, महली में जाकर लोगों को संबोधित किया, और वहाँ के कुछ लोकल लोगों से मिले और उनको ये आग्रह किया कि वो भी अपना एक एक दिन निर्धारित कर लें। मैं पिछले ही कल कसुमटी बाज़ार में था, तो कसुमटी बाज़ार वाले पूरे अब हमारे को हर बुधवार को रोटियां देते हैं, और लगभग 3000 रोटी हमें रोज़ चाहिए होती है, और अब प्रभु की कृपा से कोई भी कमी नहीं आती। शिमला के विभिन्न सरकारी ऑफिसेस, DC ऑफिस, SDM ऑफिस, चक्कर कोट, हमारा HP सेक्रेटरिएट, और भी कई प्रकार के ऑफिसेस अब हमारे को रोटियां देते हैं, और सबके निर्धारित दिन में वो रोटियां हमारे पास पहुंच जाती हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे तत्ता पानी सुन्नी से, डिस्ट्रिक्ट मंडी से भी रोटियां आती हैं हफ्ते में एक दिन सोमवार को, और वो पूरे का पूरा गांव हमारे को वो रोटियां शिमला पहुंचाता है। कभी ऐसा हुआ हो कि ज़्यादा रोटियां आ गई और जाया हो, बर्बाद हो रहा हो ना, कुछ इस तरह का तो नहीं? ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन अगर रात को किसी कारणवश रोटियां बच जाएं तो जो हमारा सुबह की चाय होती है हम उसमें वो रोटियां लोगों को दे देते हैं। ऐसा लेकिन कभी हुआ नहीं कि रात को रोटियां बच जाएं, कम ज़रूर होती हैं, बचती नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास होता है रात को अगर कुछ भी बच जाए तो सुबह 7 बजे उसको दोबारा से एक चाय के साथ हम बाँट दें। क्योंकि शाम को कई लोग वैसे भी हमसे रोटियाँ ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुबह की चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। सरबजीत जी, एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य था ये, और एक जब आपने शुरुआत की उससे आज तक, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि यार ये कदम जो था ये उठा तो लिया लेकिन पछतावा हो रहा, ये मुश्किल हो रहा है निभाना, कभी ऐसा लगा कि मुश्किल में आए हैं, कभी दिक्कत आ रही हो और आगे कभी रास्ता ना सूझ रहा हो? क्योंकि अक्सर इस तरह के काम में और इतने बड़े काम में कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, तो कभी ऐसी दिक्कत कभी महसूस हुई? ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाँ, हौसला अफजाई करने वालों ने हमारे अंदर वो एक दोबारा से एनर्जी भर दी। अभी 2016 में एक मेरी पोस्ट जो कि पूरे विश्व में 3 करोड़ लोगों ने देखी, उसके बाद जो पूरे वर्ल्ड से एक मुझे रिस्पॉन्स आया जिसमें मेरा नाम भी वेला बॉबी रख दिया गया था उस पोस्ट में, उस पोस्ट ने इतना कमाल किया कि मुझे विदेशों से फ़ोन आने शुरू हो गए, और पूरे भारतवर्ष से जब फ़ोन आने शुरू हुए कि आप ये कैसे करते हैं,
और आपको हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मैंने उन सब लोगों से आग्रह किया कि आप मुझे डोनेशन मत भेजिए, ऐसा लंगर अपने शहर के नज़दीकी अस्पताल में खोलिए और हफ्ते में एक दिन अपने घर में चाय बनाकर ले जाइए और सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उन पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को पिलाइए अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में। और इसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, आज भारत के लगभग 15 से 20 शहरों में ये लंगर की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी मैं 25 तारीख को कुल्लू जा रहा हूँ, वहाँ भी मैंने सुना है कि पिछले 2 वर्षों से कोई एक संस्था वहाँ पर ये दूध की सेवा कर रही है, रोज़ाना सुबह दूध देती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग प्रेरणा लेकर आगे इस काम को बढ़ाते हैं। अब पीछे मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो आगे ही बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना है कि वो ये कार्य करें, अपने अपने धार्मिक स्थानों में भी जाएं, लेकिन वहाँ के भंडारों से हटकर अस्पतालों में भंडारे देने शुरू करें जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार के लोगों ने कभी शिकायत की है कि समय नहीं दे पाते? हाँ, वो अक्सर कहते हैं कि समय नहीं दे पाते, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, अब सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है कि अब उनका समय कौन सा है और सेवा का समय कौन सा है। सरबजीत जी, एक आखिरी सवाल, इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, आगे क्या लक्ष्य है? आगे कुछ और करने का है या इसी में रहेगा आपका कंसंट्रेशन? मेरा सबसे बड़ा अब एक और प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं आजकल कार्य कर रहा हूँ। शिमला में सबसे बड़ा हॉस्पिटल IGMC शिमला में है, लेकिन वहाँ पर सराय नहीं है। लोग अक्सर कॉरिडोर्स में हॉस्पिटल की ज़मीनों पर सोए हुए पाए जाते हैं और लगभग 1000 लोग रोज़ IGMC के विभिन्न कॉरिडोर्स में ठंडी ज़मीन पर सोते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि अगर हमें कोई बड़ी जगह मुहैया करवाई जाए तो हम एक मुफ्त में निःशुल्क सराय बनाएंगे। खाना तो हम दे ही रहे हैं, कंबल भी दे रहे हैं, हम रहने की भी सुविधा वहाँ पर मुफ्त देनी चाहेंगे और एक बहुत बड़ा यहाँ पर वृद्ध आश्रम बनाने की भी आवश्यकता है। वो इस करके नहीं कि अपने पेरेंट्स को लोग वहाँ पर छोड़ दें, लेकिन देखने में ये आया कि बच्चे तो अब सारे विदेशों में सेटल हो गए हुए हैं और माँ बाप यहाँ पर अकेले रह चुके हैं, क्योंकि अक्सर जब मेरे पास डेड बॉडीज़ की कॉल्स आती हैं तो 4-4 दिन हमें डेड बॉडी मॉर्चरी में रखनी पड़ती है, जब तक बच्चे ना आ जाएं तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बनाया जाए जिसमें कि ये सारे बुज़ुर्ग जो ऑल अलोन यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए बनाया जाए ताकि वो सब इकट्ठे होकर रह सकें, ना कि अलग अलग अकेले अकेले रह सकें। समाज सेवा को लेकर निस्वार्थ भाव से आपकी जो अरदास है सरकार तक भी ज़रूर पहुंचेगी और समाज सेवा से जुड़े अन्य लोगों तक भी हम चाहेंगे वो आपके साथ जुड़ें और इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। इसी के साथ रूबरू कार्यक्रम में आज आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूबरू में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।